अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज एक बात करेंगे रिगार्डिंग कि एक स्टूडेंट लाइफ में और एक अच्छे टीचर होने के नाते एक प्रॉब्लम हमें पेश आती है। आई रिमेंबर मुझसे मेरे दोस्त जो हैं वो खफा हुआ करते थे कि यार आप हमें पढ़ाते नहीं है, नॉलेज शेयर नहीं करते, अपने पास रखते हैं। और बाज़ औक़ात जब अच्छा टीचर होता है स्टूडेंट उससे गिला करते हैं कि ये टीचर हमें पढ़ाता नहीं है, और ये एक आलिम दीन होता है लोग गिला करते हैं कि ये आलिम दीन जो है हमें पढ़ाता नहीं है। भाई मैं उस स्टूडेंट को, उस टीचर को, उस आलिम दीन को ये सजेस्ट करूँगा, तब तक न पढ़ाओ, तब तक उनके साथ नॉलेज शेयर न करो जब तक वो आपसे ख़ुद न पूछे। ये एक दलील मैंने उठाया, एक जगह से मैंने पढ़ा जहाँ पर यह बात सजेस्ट की गई थी कि आप अपने आप को एक तरह से मतलब साइड पर रखो ताकि आपके इल्म का थोड़ा सा वो एक इज़्ज़त बरकरार रहे। आप कभी एक मोरल होता है ना, आपने कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है, कुछ जाना है, ऐसे लोगों को तो जिनके पास प्यास हो, अगर आप प्यासे को पानी दोगे उसका दिल खुश होगा। ये नहीं अगर किसी के पास मतलब कोई जो है वो शराब है उसको आप पानी पेश करते हो तो वो बजाय आपके शुक्रिया करने का, अदा करने का, वो आपसे मुंह फेर लेगा या फिर एक मुंह बना करके आपसे बॉटल ले लेगा। तो ऑलवेज़ जो आपसे कोई पूछे, मतलब जो एक थर्स ज़ाहिर करे, एक नीड ज़ाहिर करे, फिर उसको प्रोवाइड कीजिएगा, खुद से किसी के पास ना जाए, प्लीज़ ये ले ले, ये सीख ले मुझसे। आई डोंट रिमेंबर द सिचुएशन। तो आप उनको भी मैं कहता हूँ कि अपने आप को फालतू ना समझे, जब आपसे कोई पूछे फिर शेयर करें, फिर ऐसा ना करें, ऐसा ना हो कि आप लोग तब भी जो है वो नॉलेज शेयर नहीं करते। शेयर करें तब जब आपसे कोई पूछे, रिक्वेस्ट करें आपसे। क्यों? क्योंकि वो तब नीडी होता है, तब उसको ज़रूरत होती है, जिसको ज़रूरत हो तब वो चीज़ उसको जब प्रोवाइड की जाती है उसका एक एहतराम, एक वैल्यू जो है वो बाकी रहता है। That's it. Thank you for watching.